अपने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 25 दिनों से आंदोलन कर रहे ठेकेदारों के कार्य बहिष्कार का असर अब साफ दिखने लगा है। ठेकेदारों के कार्य बहिष्कार से शहर के सभी विकास कार्य ठप पड़े हैं, जिसके चलते आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार को चाहिए कि ठेकेदारों की मांग पर कोई सकारात्मक कदम उठाया जाए, जिससे कि वह काम पर लौटे और उन्हें परेशानियों से निजात मिल सके। वहीं आंदोलन कर रहे ठेकेदारों को लगातार समर्थन मिलता जा रहा है। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। ये कार्मिक आंदोलन शुरू हो चुका है, बाकी हमें जनता भी सहयोग दे रही है, सब जगह से सहयोग मिल रहा है। हम लोगों का सरकार क्यों नहीं मान रही है, हमारी समझ से बाहर हो रही है बातें। सरकार का हम सहयोग करना चाह रहे हैं, हमारी तो खाली एक मांग है कि जो तुम ये बड़े बड़े ई टेंडिंग कर रहे हैं, हमारा जो लोकल में शुरू से ही जब से ये प्रदेश बना है सबसे ये मांग चली आ रही है, और हमारी ये मांग अनैतिक भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो सरकार कह रहे कि हम पलायन रोकेंगे, कहाँ से पलायन रोकेगा, कुटीर उद्योग का दर्जा है गढ़वाल में, ये कुटीर उद्योग का दर्जा है और इसी को सरकार खत्म करने के चक्कर में पड़ी हुई है, तो इसके वजह से हम आक्रोशित है। और अब धीरे धीरे देखे आगे क्या होता है, इसमें अभी तक हम क्या कहेंगे, लेकिन हमारे सारे लोग और यूनियनें भी हमारे साथ आ रही है।